चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, अभिषेक से, जो कि थ्री जिनकी ऑल इंडिया रैंक 389 है, इनको एनआईटी पटना अलॉट हुआ है और ये औरैया यूपी से हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, इसके लिए मैं आपको थैंक यू, प्रतीक सर को थैंक यू और अपनी फैमिली को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। तो अभिषेक, ये जो सेशंस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, ये कई बच्चों की इंटायर लाइफ को चेंज कर देते हैं। हर बच्चा कहीं ना कहीं, मतलब मैं इतने सारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंडिया में उन सभी के डालता हूँ, किसी को किसी बच्चे की बात समझ में आती है, किसी को किसी की बात समझ में आती है और बहुत सारे बच्चे इसका वेट भी करते हैं। तो अभिषेक, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी सक्सेस जर्नी है इंटायर, कि आपने निमसेट के लिए कब सोचा, फिर आपने उसको सोचने के बाद कैसे एक्शन लिया और किस ढंग से प्रिपरेशन की। ओके सर, तो ये बात है सर 2020 की, मुझे एक्चुअली एनआईटी इंसेट के बारे में पता कुछ नहीं था, तो मैं एक जगह कोचिंग अपना प्रोग्रामिंग सीखने के लिए करता था, इंटरेस्ट था मेरा उसमें, तो वहीं से मुझे उन्होंने बताया कि आप इंसेट के थे एमसीए भी कर सकते हैं, तो मैंने पूरा उसका डिटेल वगैरह देखी क्या है प्रोसेस क्या है, तब मुझे पता चला कि एमसीए के काफी अच्छे पैकेजेस पे भी हो रहे हैं, एनआईटी से काफी अच्छा होता है। मेरा मन तो हमेशा से था एनआईटी आईआईटी जाने का, मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी तो, लेकिन तब नहीं मिल पाया मुझे, तो मैंने कहा लाइफ में एक चांस और मिला है वापस से एनआईटी का ड्रीम पाने का, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसी को स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि हाँ किसके थ्रू कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मुझे यूट्यूब पे आपकी वीडियोस मिली, मैंने उसको देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी चीजें समझ में आई, समझ में आपका थोड़ा समझाने का स्टाइल वगैरह भी अच्छा मुझे लगा उस चीज को लेके, तो मैंने फिर इम्पिटस को ज्वाइन किया। मैंने कहा देखा तो काफी अच्छा लगा, टेस्ट सीरीज वगैरह भी थी उसमें, काफी कुछ अच्छी चीजें थी, यही था सर। तो अभिषेक, जैसे आपने ऑनलाइन घर पे रह के प्रिपरेशन की और कई बार घर पे अलग अलग तरह के प्रेशर्स आते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपने उनको हैंडल कैसे किया और आपका अपना ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती है क्योंकि घर पे जब रहते हैं तो फैमिली भी है, सब लोग हैं, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी चीजों को थोड़ा हम लोगों को थोड़ा साइड पे करके हम लोग बोल देते थे कि नहीं अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को डिस्टर्ब नहीं भी करता था, तो ऐसे सब मैनेज किया, मतलब टाइम निकालते थे अपने लिए भी, फैमिली सबके लिए निकालना पड़ता था। ऑनलाइन में चीजें सर काफी अच्छी रही, मुझे वीडियो लेक्चर जो मिल जाते थे सब टाइम पे मिलता था, डेली रूटीन क्लासेस थी, सब चीजें काफी अच्छे से मिलती थी, टेस्ट प्रॉपर थे, सब कुछ थे, डीपीटीज थी, सब काफी अच्छा, मतलब एकदम पैकेज था पूरा, कि हाँ कोई भी पॉइंट छूटता नहीं था कि हाँ ये चीज मिस हो गई या ये नहीं पढ़ाया या वो नहीं किया, सारी चीजें कवर होती थी बहुत अच्छे से, और कंप्यूटर वगैरह भी सर ने काफी अच्छा पढ़ाया, मुझे कंप्यूटर नहीं काफी आता था लेकिन सर की वजह से मैं काफी उसको सीख लिया, अभी भी मुझे वो हेल्प करता है काफी, एमसीए में जब अभी यहाँ पर पढ़ाते हैं करेंटली तो वो काफी हेल्प करता है, तो उसके लिए मैं आपको और सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, यही चलता रहा। और एक चीज बस मैं इतना सर और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो ठीक है, सब लोग करते हैं, काफी लोग सिलेक्ट होते हैं सब होते हैं, लेकिन रैंक जो हमेशा मैटर करती है ना, वो उस 2 घंटे के टाइम में जो आदमी टाइम प्रेशर को जो हैंडल कर पाता है, सारी चीजें उसी से मैटर करती हैं, इंटेलिजेंस लगभग लगभग काफी लोगों का इक्वल हो जाता है, लेकिन वो 2 घंटे का जो टाइम प्रेशर मैनेज करने का तरीका होता है, सारा रैंक का डिसीजन वहीं पे होता है। बिल्कुल सही बात बोली अभिषेक। देखिए 2-3 चीजें हैं, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये बच्चों से भी सुना, आपने भी फील किया जैसा बोला, कि इम्पिटस का ऑनलाइन क्लास कभी फील नहीं होता कि ऑनलाइन, ऐसा लगता है लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से कोशिश भी यही करता हूँ कि बच्चों को वो सब कंटेंट वैसा ही मिले घर पर रहते हुए, जो कि वो किसी क्लास में जाके ले सकते हैं, तो एक तो ये कोशिश हमेशा रहती है इम्पिटस की। दूसरी बात जो आपने बोली वो बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चाहे फर्स्ट रैंक का हो, चाहे 10th रैंक का हो, चाहे 50 से 100, बहुत थोड़े से क्वेश्चन का अंतर होता है और सबकी नॉलेज लेवल ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इनफैक्ट कॉलेज में भी आप देखते हो कि सभी रैंक के बच्चे एक साथ होते हैं, लेवल ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बस वो 2 घंटे आपने कैसे यूटिलाइज किया, उसमें कहीं एक क्वेश्चन भी आपने गलत सिलेक्ट कर लिया या किसी एक क्वेश्चन में भी टाइम ज्यादा दे दिया, तो आप एकदम से 2-3 क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है उन बच्चों के लिए जो सुन रहे हैं कि आप अपने आप को कभी कम मत समझो, बस आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा मैनेजमेंट उतना अच्छा रिजल्ट। यस सर, श्योर सर, सारा बस वहीं पे प्रेशर हैंडल करने का पूरा खेल है, बाकी सब प्रिपरेशन करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, गाइडेंस आप अच्छी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ मिलता है, बस वहीं जाके जो हैंडल करना है ना वही एग्जाम क्लियर करता है बस। तो अभिषेक, आपने काफी अच्छी बात बताई। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे आपको काफी लेट पता चला, पर पता चलते ही आपने अच्छी बात ये कि एक्शन लिया, जैसे 2020 में आपने जेई की तैयारी जरूर की थी, पर आपको निमसेट के बारे में 2020 में जैसे ही पता चला आपने उसके बाद प्रिपरेशन की,
तो आपका पर्टिकुलर अपने जूनियर्स को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनके लिए क्या मैसेज होगा या जो फाइनल ईयर में है? तो मेरा तो यही कहना है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दे उतना आपके लिए ही बेटर होता है, क्योंकि आप जितना चीजों को प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना आपका लेवल अपग्रेड ही होता जाएगा। और अगर लेट भी पता चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमारे पास बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 5 महीने 6 महीने सभी में तैयारी करके क्रैक किया हुआ है NIMCAT, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। लोग सोचते हैं कि ये 5 महीने में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट तो करो, स्टार्ट मेन होता है, स्टार्ट करना तो कोई शुरू करे कम से कम। अगर होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है अभिषेक, तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा। अब आप ऐसे ही आगे NIT में भी अच्छा परफॉर्म करो, और वो लोग जो कि कभी मिसगाइड हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, उनको मोटिवेट करो, जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।